रक्तदान शिविर सोढ़ा की धरती पर आशीर्वचन प्रदान करने के लिए राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक सोढ़ा की धरती से लेके सात समंदर पार तक यानी पूरे देश और दुनिया में जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक ऐतिहासिक मुकाम बनाया है, जो जन जन के प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे श्रद्धेय श्री कर्पूर चंद्र कुलिश साहब की कलम की परंपरा को, सेवा की परंपरा को, शिक्षा की परंपरा को, सामाजिक सरोकारों की परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे आदरणीय श्री गुलाब कोठारी साहब से प्रार्थना है कि सर पधारें। माननीय डॉक्टर शर्मा साहब कैंप में सेवा देने के लिए पधारे सभी डॉक्टर बंधुवर, कैंप के संयोजक आयोजक और सभी वॉलेंटियर, गांव के सभी बुजुर्ग वर्ग, भाइयों बहनों, सोढ़ा में आना मेरे लिए तीर्थ के समान है। जब भी जरूरत है इसी धरती का खाया हुआ अन्न हमारे शरीर तक पहुंचा हुआ है और प्रयास भी रहेगा कि हम इस ऋण को इस शरीर के रहते हुए पूरा चुका सकें। बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब जैसे सेवाभावी लोग इस देश इस धरती पर अभी तक नई किसी नई पीढ़ी में बड़े होते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं। ये इस धरती का सबसे बड़ा सम्मान है कि यहाँ पैदा होने वाले लोग अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी कुछ न कुछ अच्छा जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में कुछ सुख जोड़ने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब को भी मैं अब कई सालों से जानता हूँ, नई पीढ़ी को इन्होंने एक यूँ समझ संगठित करने का भी काम किया। आज इस कैंप में भी आपको एक टीम मिलेगी और यहाँ के भी लोगों को, बल्कि युवा साथियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक टीम बनाकर 12 महीने काम करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक अवसर आ गया तो हम उस अवसर पे खड़े हैं, पूरे 12 महीने हर मौसम का कोई न कोई काम होता है समाज का। जहाँ हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ रहेंगे। आप हमको बताओ कि इस अवसर, आप हमको 2 महीने 3 महीने पहले प्लान करो कि अगले महीने या 2 महीने बाद हम लोग ये काम हाथ में लेना चाहते हैं, हमारी ज़रूरत यहाँ होगी और हम ये काम गांव के लिए करेंगे। ये परंपरा दूसरे गांव से करीब करीब ख़त्म होती जा रही है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और इस गांव में अगर ये परंपरा जीवित है, क्योंकि मैं पिछली बार भी जब रामदयाल जी के कार्यक्रम में आया था तो मैंने इसको देखा कि ये परंपरा जीवित है यहाँ और लोगों के मनों में बसी हुई है कि हम दूसरों के साथ जुड़कर आगे बढ़े। एक यहाँ के लोगों को, युवा साथियों को भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम खाली इस शिक्षा के भरोसे आगे नहीं बढ़े। शिक्षा मेरे शरीर के लिए दी जा रही है, शरीर के पालन पोषण के लिए दी जा रही है, परिवार के पालन पोषण के लिए दी जा रही है, पर भारतीय दर्शन ये नहीं कहता। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और माँ बाप आत्मा को पैदा नहीं करते, नहीं कर सकते। जो मरता ही नहीं उसको पैदा कौन करेगा। तो ये जो शिक्षा है वो इस शरीर के लिए है, मुझे इस शरीर को कैसे काम लेना है इसके बारे में जरूर हमें विचार करते रहना चाहिए। उसके बिना हम अपने जीवन को सार्थक ही नहीं बना पाएंगे। ये खाना पीना सोना परिवार सब मिलके शरीर तक ही तो जुड़े हैं। हमें अब चूंकि इस धरती में ऐसे बीज बोए हुए हैं, राम द्वारे से भी वो बीज आ रहे हैं, सींचे जाते हैं, और ये जो सेवा के काम है उनमें भी वो बीज सींचे जाते हैं। तो मुझे ये भी समझना है कि मुझे जीना किसके लिए है। तो ये जितने काम आपको यहाँ अभी दिख रहे हैं, आज भी ये जो शिविर है, ये इसको शिविर का शरीर का शिविर नहीं माने, इसमें बहुत कुछ आत्मा का जुड़ाव है और वही
यूं समझिए प्रफुल्लित हो रही है। भाई थोड़ा आगे मैं आपको एक लाइन में इस रक्तदान शिविर के बारे में, डॉक्टर साहब कह रहे थे रक्तदान बहुत श्रेष्ठ दान है, पर भारत के जो दर्शन शास्त्र है उसकी दृष्टि में ये श्रेष्ठता क्या है, इसकी एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब को पूछो कि ये जो रक्त है उसके कितने ग्रुप हैं, तो बोलेंगे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, ओ ग्रुप, चार ग्रुप होते हैं। और ये चारों ग्रुप की अपनी अपनी एक विशेषता है, जिस आदमी के पास जो ग्रुप है उस आदमी की प्रकृति क्या है, उसका काम व्यवहार क्या है, ये सब कागजों पे लिखा हुआ है। और कोई एक ग्रुप का रक्त दूसरे ग्रुप के शरीर में आप अगर डालेंगे तो मैच नहीं करेगा, ये डॉक्टर साहब की भाषा है, विज्ञान की भाषा है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे समाज में चार वर्ण होते हैं, चार ग्रुप नहीं होते, हमारे यहाँ चार वर्ण कहलाते हैं। और वही आप प्रभाव उन वर्णों का भी देखते हैं और उन रक्त के गुणों का भी देख रहे हैं। और वहाँ भी अगर रक्त का मिश्रण हो जाए दो अलग अलग ग्रुपों का, तो जो नया निर्माण होगा उसमें दोनों के गुण नहीं रहते, जैसे इनके यहाँ नहीं रहते हमारे यहाँ भी नहीं रहते। तो इसलिए हमें अपने ज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास करना चाहिए, ये मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ। और सब चीज़ों में है, अगर ईश्वर ने हमको पैदा किया है, और हम तो ये भी कहते हैं कि हम खोटे काम करते हैं तो जानवर भी हम बनते हैं, पेड़ पौधे भी हम बनते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग रहे होंगे, हमको इस दृष्टि को इतना बड़ा बनाकर समझने की ज़रूरत है। और ये हमें इस शिक्षा के साथ साथ कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, चाहे रामद्वारा में हो और कहीं हो, जहाँ शाम को भी घंटे भर कोई क्लास ले साधु संत बड़ा हुआ विद्वान जो लोगों को ये बात समझा सके। लेकिन जीवन की सार्थकता देने में है, देने वाला हमेशा बड़ा कहलाता है। इतिहास में अगर किसी का नाम है तो आज भी आपको राजा कर्ण का नाम मिलेगा या बलि का नाम मिलेगा, लेने वाले का नाम नहीं मिलता। हमें लेने वाला नहीं बनना, आज आप ये एक संकल्प जरूर कर लें कि मैं ज़िंदगी में कभी कुछ मांगूंगा नहीं, किसी से कुछ लूंगा भी नहीं, क्योंकि लिया तो मुझे उधार चुकाना पड़ेगा। और देने वाला बड़ा है, मुझे देना ही है, ये मेरा एक संकल्प रहे तो शायद मैं जो मुझे मिलेगा उसको और कुछ भी नहीं तो एक मीठा बोल करके, उसको सम्मान से बात करके उसको कुछ सुख दे सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस शिविर की के लिए शुभकामना देता हूँ, ये शिविर आगे से आगे बने रहें और भी दूसरी तरह के शिविर चलें। ज़रूरी नहीं है कि अब रक्तदान का डॉक्टर साहब ने हाथ में लिया है तो साल में और दो तीन शिविर अलग अलग रोगों के भी हो सकते हैं, दूसरे विषयों के भी हो सकते हैं, पर यहाँ के युवा वर्ग को एक संगठन बनाना चाहिए जो सारी व्यवस्था हाथ में ले सके, दूसरे लोगों से संपर्क कर सके। डॉक्टर साहब तो हैं यहाँ, आपके गार्जियन रहेंगे, पर हमें ये ज़रूर रखना। इस स्कूल के लिए भी मेरे पास कुछ सुझाव आए थे, मैं आपको इतना सा बता देना चाहता हूँ कि इस बरसात के बाद एक तो इस बिल्डिंग की, अस्पताल की बिल्डिंग की ये जो रिपेयर का काम है, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में, ये रिपेयरिंग का काम अपने आप शुरू हो जाएगा। दूसरा एक काम मेरे पास आया था कि हमारे स्कूल में खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, तो आप मान लेना कि इसी साल में प्लेग्राउंड बन जाएंगे, बच्चों के खेलने की सुविधा पूरी हो जाएगी, बल्कि अंदर भी जो बैडमिंटन के लिए दूसरे टेबल टेनिस ये जो खेल हैं ये भी शुरू हो जाएंगे। तीसरी जो बात हम तक पहुंची थी कि यहाँ कंप्यूटर की लैब नहीं है, ये कंप्यूटर की लैब इसी साल चालू हो जाएगी। ये सारे प्रपोजल या प्रस्ताव हमारे ऑफिस में पास हो चुके हैं, इनके बजट भी पास हो चुके हैं, कौन क्रियान्वित करेगा ये भी तय हो चुका है, ये बरसात का सीजन ख़त्म हो जाए तो ये सारे काम लागू हो जाएंगे। बस पुनः आपसे आज्ञा लेता हूँ, सबको मेरा प्रणाम।